हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमन जैन। आज हम बात करने वाले हैं एक माइनिंग कंपनी के बारे में जो नेचुरल रिसोर्सेज की माइनिंग करती है, और ये इंडिया की ही नहीं वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी में आती है। और ये काफ़ी माइनिंग करती हैं, जैसे कॉपर हो गए, जिंक हो गए, लेड हो गए, सिल्वर हो गए, ऑयल एंड गैस, मीन्स काफ़ी सारे इनकी ब्रांचेज है ऑल ओवर इंडिया में। और काफ़ी मीन्स बड़ा नेटवर्क है और काफ़ी बड़ी कंपनी है इंडिया की। और अब इसका जो स्टॉक है एकदम लोअर लेवल्स के ऊपर चल रहा है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती हैं, 2018 में जो डिक्लेयर किया था लगभग 2100% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मीन्स 21 रुपीज़ का आपको डिविडेंड मिला है इस स्टॉक के ऊपर। और आप देख सकते हैं ये कंपनी है वेदांता लिमिटेड, 239 के ऊपर ये चल रहा है। इसका जो लो देखेंगे तो 221 का है जो अभी का है लेटेस्ट, और हाई 355 का है। और लोअर लेवल्स पे अगर आप लेते हैं इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, तो आपको डिविडेंड में ही काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है इजीली, और कैपिटल एप्रिसिएशन में भी अच्छा हो जाता है। और ऐसे स्टॉक्स के अंदर रिस्क काफ़ी कम रहता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के नज़रिए से भी इन स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। और इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 88,000 करोड़ का है, 19.52 का EPS है, लास्ट टाइम डिविडेंड दिया था 1945 का, और 1 रुपये का फेस वैल्यू है। और इसका अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो सेल्स का टर्नओवर हुआ था लगभग 14,000 करोड़ के करीब, और पहले था 12,000 करोड़ के करीब, और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी तगड़ा बड़ा है, 6,070 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, पहले 679 का था। और ये डिविडेंड कितना देती है उसके बारे में भी हम जानेंगे, ताकि आपको भी आइडिया आ सके। तो आप देख सकते हैं डिविडेंड जो दिया है इस कंपनी ने लगभग 2120% के करीब दिया है मार्च 2018 में, और 2017 में 1700% के करीब दिया है। मीन्स डिविडेंड अगर आप कंटिन्यूस देखेंगे तो काफ़ी अच्छा दे रही है ये कंपनी, और लगातार देते आई है। आप देख सकते हैं 2016, 15, 14, 13, और इस कंपनी ने 3 से 4 बार बोनस इशू भी किया है। आप देख सकते हैं 2008 में दिया है, 4 में, 93 और 86 में दिया है। तो कंपनी काफ़ी बेहतर है, मार्केट कैप भी अच्छा है, और लोअर लेवल्स पे मिल रहा है। और अगर आपको लगता है और नीचे मिल सकता है तो आप नीचे लीजिएगा, लेकिन अभी काफ़ी लोअर पे आ चुका है ये स्टॉक, 220-22 के करीब था और आज बढ़ा है 10 रुपया लगभग। तो इसकी वेबसाइट पे भी मैं आपको लेकर जाकर दिखा देता हूँ, ये देखें, जिंक, लीड, सिल्वर, ऑयल एंड गैस, आयरन ऑयल, कॉपर, एल्यूमिनियम, पावर, ये सारे सेक्टर में माइनिंग का काम करती हैं। और काफ़ी बड़ा मीन्स इनका नेटवर्क है, आप देख सकते हैं, ये वेदांता का वेबसाइट है। और लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया रखते हैं, अच्छे स्टॉक्स लेना है, तो ये स्टॉक को तो छोड़िएगा मत, भले थोड़े थोड़े कुछ स्टॉक्स लीजिए, लेकिन लीजिए ताकि लॉन्ग टर्म या 6 महीने में भी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आज इसी के बारे में बताना था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।